हे गाइस, आज मैं लाया हूं VGA टू HDMI मिनी एडाप्टर, जिसमें VGA इनपुट और HDMI आउटपुट का काम करती है। साथ ही इस एडाप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक केबल की जरूरत पड़ती है, जो USB टू V3 आती है और V3 इस साइड लगाते हैं और इसको कंप्यूटर में कहीं भी कनेक्ट कर देते हैं, जिससे लगभग 4 वोल्ट की DC पावर सप्लाई मिलता है और ये स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेरे कंप्यूटर में VGA केबल निकल के आती है, वो मैं इस साइड इनपुट की साइड लगाता हूँ और मुझे जो डिस्प्ले में देखना रहता है, जो नए टेक्नोलॉजी वाले डिस्प्ले हैं, वो HDMI से चलता है, तो वो उसको मुझे यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है और इस तरह हमारे कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है, ग्राफिक्स, वो उस डिस्प्ले पे शो करने लगती है और सब कुछ हम प्रॉपरली देखने लगते हैं और इस तरह हमारा ये एडाप्टर काम करता है। तो ये एडाप्टर वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने पुराने कंप्यूटर को नए वाले डिस्प्ले से कनेक्ट करना चाहते हों और उनके पास जो नया डिस्प्ले है उसमें HDMI केबल ही दिया हो, VGA ना दिया हो। आप उसके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और इस मिनी एडाप्टर को परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के बाद अगर आपका कंप्यूटर VGA सपोर्ट करता है तो VGA इस साइड लगाएं और आपका डिस्प्ले जो है, मॉनिटर है, वो HDMI सपोर्ट करता है तो इस साइड HDMI केबल लगा दें और इसको चलाने के लिए इस केबल को जो साथ में मिलता है इस एडाप्टर के साथ, V3 केबल है जो USB टू V3 आता है, तो इसमें आप कनेक्ट कर दें। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा USB पावर सप्लाई की ऑप्शन, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे और इसको कंप्यूटर या लैपटॉप, जहाँ भी आपको DC सप्लाई देने का जरूरत लगता है कि वहाँ से आसानी रहेगा, वहाँ दे सकते हैं और आपका जो डिस्प्ले है वो आपको शो करने लगेगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस यूज के लिए है और आपको खरीदना चाहिए या नहीं। ये लगभग, मैं अमाउंट बता देता हूँ, इसका लगभग 200 रुपया चार्ज पड़ता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है मार्केट के हिसाब से। अगर आपको समझ में आता है तो आप ये ले सकते हैं। मैंने परचेस किया था और यूज़ करके भी देखा है, काफ़ी अच्छा है, काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई शिकायत भी नहीं आती है, तो आप खरीद सकते हैं। और अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कैसी वीडियो आपको पसंद है, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।